फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर मनोज कुमार को बॉलीवुड का स्तंभ माना जाता है। बॉलीवुड बुलशिट के इस वीडियो के जरिए आइए आज हम आपको मनोज कुमार साहब की जिंदगी के कुछ इंटरेस्टिंग और रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन प्रेस करने के बाद ऑल के बटन को जरूर दबाएं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं फिल्म इंडस्ट्री के महान एक्टर मनोज कुमार की जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। साल 1957 में बतौर अभिनेता फिल्म फैशन से मनोज कुमार साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इसी फिल्म को वो अपने करियर की पसंदीदा फिल्म भी मानते हैं। ये तस्वीर जिसे आप अभी देख रहे हैं, ये 1965 में रिलीज हुई उनकी फिल्म शहीद की है, जो कि क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। मनोज कुमार ने ज्यादातर फिल्मों में अपने किरदार का नाम भारत रखा था, इसी वजह से उन्हें लोग भारत कुमार भी कहने लगे। मनोज कुमार ने बीबीसी को बताया था कि जब लगातार विफलताओं से हताश होकर अमिताभ बच्चन मुंबई छोड़कर अपने माता पिता के पास वापस दिल्ली जा रहे थे, तब उन्होंने ही अमिताभ को रोका और अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मौका दिया। मनोज कुमार के मुताबिक जब लोग अमिताभ को नाकामयाबी की वजह से ताने दे रहे थे, तब भी उन्हें अमिताभ बच्चन की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था और वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि एक न एक दिन अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े स्टार बनेंगे। मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम में दिलीप कुमार और सायरा बानो की मशहूर जोड़ी ने काम किया। ये बात तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि इस फिल्म ने दिलीप कुमार ने सायरा बानो को काम करने के लिए मनाया था और फिर सायरा बानो की हामी के बाद दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी से सजी थी ये फिल्म, जिसका नाम था पूरब और पश्चिम। पूरब और पश्चिम के बाद मनोज कुमार ने दिलीप कुमार के साथ एक बार फिर से फिल्म क्रांति में काम किया। मनोज कुमार देशभक्ति पर बेस्ड अपनी फिल्मों की प्रेरणा उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से लेते थे और उन्हीं के नारे जय जवान जय किसान पर आधारित उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी। मनोज कुमार के संबंध पॉलिटिशियंस से भी बहुत अच्छे हैं। लाल बहादुर शास्त्री के अलावा इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी भी उनकी फिल्में बहुत पसंद करते थे। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। 80 के दशक की इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं मनोज कुमार उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ। तस्वीर देखकर आप समझ ही सकते हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके संबंध बेहद मधुर थे। मनोज कुमार ने राज कपूर की बेहद चर्चित फिल्म मेरा नाम जोकर में काम किया था। मनोज कुमार बताते हैं कि जब कभी भी उनके करीबी दोस्तों जैसे राज कपूर, देवानंद और प्राण जैसे एक्टर्स की फिल्में टीवी पर आती हैं, तो वो चैनल बदल देते हैं, क्योंकि इन फिल्मों को देखते ही उन्हें अपने प्यारे दोस्तों की याद आने लगती है और वो यादें उन्हें रुला देती हैं। अभिनेता शाहरुख खान से मनोज कुमार उस वक्त नाराज हो गए थे जब शाहरुख खान ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम के एक सीन में मनोज कुमार की नकल वाला एक सीन रखा था। हालांकि बाद में शाहरुख ने दावा किया कि उन्होंने मनोज कुमार से माफी मांग ली है और कुछ समय बाद मनोज कुमार की तरफ से भी ये सुनने में आया था कि शाहरुख खान से उनकी नाराजगी अब पुरानी हो चुकी है और वो उस किस्से को भूल चुके हैं। तो ये था फिल्म एक्टर मनोज कुमार की जिंदगी पर बेस्ड हमारा ये वीडियो। अगर आपको ये तथ्य वाकई रोचक लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बॉलीवुड बुलशिट की रिपोर्ट।